ये आम का लच्छा सबसे अच्छा, महाराजा गुलकंद, महाराजा गुलकंद, हाँ इसमें करुंदे का अचार, बेल का मुरब्बा। सो गाइस वेलकम टू चलसो, अचार चटनी और मुरब्बे। ये कौन सा है? ये मीठा नींबू है। मीठा नींबू, क्या बात है। ये मीठा नींबू की फेमस वेरायटी है, लहसुन का अचार, लहसुन का अचार, क्या बात है। देख ये है लाल मिर्च का अचार, क्या बात है, एकदम देखने में कितनी सुंदर है, खाने में और भी ज्यादा स्वादिष्ट। अदरक का चार, क्या बात है, अदरक का चार, अदरक का चार देख सकते हो, मतलब ये लाल मिर्च का चार, क्या बात है। एक कटिंग वाला लाल मिर्च, जैसे साबुत को तोड़ने की दिक्कत होती है ना, हाँ हाँ, ये कटिंग वाला अचार है। अच्छा ये कौन सा अचार है भैया? मैंगो पिकल, मैंगो का चार, क्या बात है, आम का चार। ऐसे मसाले देखो घरों में भी नहीं जलते हैं ऐसे मसाले, क्या बात है। और कैरी की कटिंग देखो कितनी सुंदर और छोटी छोटी कटिंग है। ये कौन सा ग्रीन चिल्ली, राई वाला हरी मिर्ची, ग्रीन चिल्ली की मिर्ची है। अच्छा एकदम ग्रीन वैली, बिल्कुल देखिए एकदम ग्रैंड ग्रैंड ग्रीन वैली जैसा दिख रहा है बिल्कुल, क्या बात। सवा सौ का राइस, सवा सौ भैया, ये मिक्स अचार है, मिक्स अचार, आम नींबू मिर्ची सब है, खैर अदरक गाजर और जो भी चाहो जो, ये देखिए नमकीन नींबू है, देखते ही आनंद आ रहे हैं। ये आम का लच्छा सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, इसको किसी के भी साथ खाओ, चाहे परांठा हो चाहे पूरी हो चाहे लच्छा परांठा हो, बहुत आनंद आ जाएगा। देखो नहीं टेस्ट भी करो आप, इसकी तबीयत खुश खाते ही। ये कौन सा है भैया? ये गार्लिक चटनी है, गार्लिक, हाँ देखिए गार्लिक चटनी, इसको दाल में भी डालेंगे ना, दाल का स्वाद ढाबे से की दाल से भी बहुत अच्छा स्वाद हो जाएगा, ऐसा स्वाद है। और ये काफ़ी टाइम तक लंबे समय तक चल सकती है, ये खराब नहीं होती, खराब नहीं होती, इसका ऐसा स्वाद है। तो ये आ गया आंवले का, आंवले का मुरब्बा, क्या बात है, आंवले का मुरब्बा आ गया, आंवले का मुरब्बा एकदम देखिए बड़े बड़े पीस हैं, क्या बात है। राजभोग भी फैले इनके सामने, राजभोग भी फैले इनके सामने, इनके सामने इन मुरब्बों में बिना रेशेदार मुरब्बे हैं, क्या बात है। ये हेल्थ के लिए, स्वाद के लिए, और खून बढ़ाते हैं, खून भी बढ़ाते हैं, बालों को एकदम काला रखते हैं, काला रखते हैं बालों को, और काया को निरोगी रखते हैं, क्या बात है। ये कौन सा आ गया? ये देखिए ये निचोड़े का चार है, निचोड़े, हाँ अच्छा। इसके अंदर गुठली नहीं होगी, अच्छा गुठली को निकाल के अच्छा। अंदर आम का मसाला भरा हुआ रहता है, अच्छा अच्छा, इतना स्वादिष्ट और जायकेदार होता है, अच्छा अच्छा, बहुत स्वादिष्ट, क्या बात। अच्छा आराम को बोलते हैं महाराजा गुलकंद, महाराजा गुलकंद, हाँ इसमें सब तरह के ड्राई फ्रूट्स, केसर, इलायची वगैरह सब सारी चीजें रहती है। अच्छा ये दिल दिमाग को ठंडा करता है, अच्छा माइंड को फ्रेश रखता है, अच्छा और खाने में इतना आनंद आता है, क्या पूछो मत, जैसे मतलब गुलाब की बगियों का आनंद ले रहे हो आप, गुलाब की बगियों का आनंद ले रहे हो, ऐसा आनंद आएगा। एक बार खा के देखो आप, आनंद आता रहेगा। हमारे यहाँ सर्विस, तो ये कौन सा है? ये पंजाबी भाइयों के लिए गोभी शलजम गाजर का अचार है, गाजर का, ये गुड़ से खट्टा मीठा होता है, अच्छा बहुत स्वादिष्ट, इसमें लहसुन प्याज का महक, अच्छा देखिए ये बारीक कैर है, राजस्थान की शान है ये, अच्छा कैर और सांगरी बिना, अच्छा मारवाड़ी घरों का आनंद नहीं, अच्छा और ये सांगरी का अचार है, सांगरी का बिल्कुल बारीक सांगरी, जितनी बारीक होगी उतना ही आनंद आएगा, सारे मसाले हैं, ऐसा स्वादिष्ट हमारे यहाँ अचार देश विदेश तक में भी मशहूर, देश विदेश तक भी मशहूर बन सकते हैं, मैंने आज तक देखा नहीं था। ये हल्दी का अचार है, ये ब्लड को प्यूरीफाई करता है, ब्लड को प्यूरीफाई करता है, क्या बात, शरीर की हमें हर एक समस्या को दूर करता है, क्या बात है, और स्वाद में भरपूर, स्वाद में भी भरपूर। ये आ गया करेले का अचार, करेले का अचार, क्या बात है, करेले का, देखा एकदम बिल्कुल पतली पतली स्लाइस डली हुई है, फुल हाँ। मसाले से भरपूर है, उसके डायबिटीज छूमंतर, डायबिटीज छूमंतर, छूमंतर, और जिसके जो खाता है उसके डायबिटीज कभी होगी नहीं, होगी नहीं, होएगी नहीं, क्या बात। अच्छा आगे भी ये करुंदे का अचार है, करुंदे का, करुंदा, करुंदा देख सकते हो, करुंदे अचार, करुंदे का अचार, ये अचार खट्टा होता है, इसका नेचर ही खट्टा होता है, नेचर ही खट्टा होता है, मिश्रित अचार है, मसालेदार मिश्रित अचार, तो ये कौन सा आ गया? ये आम का छिला हुआ अचार है, आम का छिला हुआ अचार, इसमें न तो छिलका होता है न अंदर की गुट्टी होती है,
टोटल देख रहे हो माल और मसाला हो रहा है। क्या बात है, मतलब देख सकते हो कितनी मतलब क्वालिटी, मसाले कितने भरे हुए अचार में। ये कौन सा आ गया? ये प्याज का अचार। प्याज का ये वाला अच्छेदार प्याज का अचार, अच्छेदार प्याज का अचार है ना। क्या बात, जयपुर की 90% जनता प्याज खाती है, तो ये प्याज का अचार उपलब्ध कराया गया। ये है दाना मेथी का अचार। दाना मेथी का अचार, ये खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है, ये हाजमा की दृष्टि से भी बहुत बढ़िया लगता है, इसके खाने के बाद पेट साफ होता है। अच्छा, ये कौन सा है? ये है बेल का मुरब्बा। दिन का मुरब्बा, बेल, बेल, बेल का मुरब्बा, ये इसमें चंदन की सी खुशबू आती है। चंदन की खुशबू आती है, ये पेट को ठंडा रखता है। लूज मौसम आने पर खाया जाए तो लूज मोशन बंद हो जाती है, बंद हो जाती है। यह एप्पल का मुरब्बा, एप्पल का मुरब्बा, एप्पल का मुरब्बा यानी सेव का मुरब्बा। देखा कितने बड़े बड़े सेव है, एकदम कश्मीरी सेवों से बना हुआ सेव का मुरब्बा है। यह है बैम्बू मुरब्बा, बांस का मुरब्बा, बांस का, बांस का। देखिए आप, ये खाने में भी स्वादिष्ट होता है, इम्यूनिटी के लिए बढ़िया रहता है। अच्छा। जिन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ती है उनकी लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। अच्छा। और ताकत करता है। क्या? हार्ट को मजबूत करता है, हार्ट को भी मजबूत। जैसे बांस एक एक रेशे से बनता है ना, तो वैसे ही शरीर को एक एक रेशे को मजबूत करता है, एक एक नसों को मजबूत करता है और पूरे रक्त का संचार करता है, जिससे कभी भी आपके पैरालिसिस वगैरह की शिकायत नहीं हो सकती। सही है, इंडिया में कहीं भी मंगा सकते हैं, इंडिया से बाहर भी मंगा सकते हैं, चाहो जहाँ मंगाओ आप। सबसे बढ़िया क्वालिटी के ऑर्गेनिक अचार। अच्छा। बिना मतलब सिरके के। अच्छा। केवल देसी तरीके से बने हुए अचार होते हैं हमारे। अच्छा। ऑनलाइन भी सर्विस होती है, हमारे ऑनलाइन सर्विस का नंबर है 7737739198। विजय लाल अचार वाला, गोपाल जी का रास्ता, अचार वालों की गली, जयपुर।